Dear students, welcome to the class. I hope all of you are fit and healthy. As you know, in this semester I will teach you Evidence Act 1872. First of all, we see Indian Evidence Act को कितने parts में divide किया गया है. तो Indian Evidence Act को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसमें कुल 11 चैप्टर्स हैं. सबसे पहले एविडेंस एक्ट के तीनों पार्ट्स को देखते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री. पार्ट वन में दो चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर वन एंड चैप्टर टू. चैप्टर वन प्रिलिमिनरी है और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन वन टू सेक्शन फोर. इस चैप्टर में ये बताया गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट कब प्रवृत्त हुआ, अर्थात इंडियन एविडेंस एक्ट 1 सितंबर 1872 को प्रवृत्त हुआ. और इसके साथ ही साथ इसके सेक्शन थ्री में कुछ विशिष्ट शब्दों का इंटरप्रिटेशन किया गया है, जैसे फैक्ट्स किसे कहते हैं, एविडेंस क्या है, कोर्ट की क्या डिफिनीशन है, ये सारे चीज़ चैप्टर वन में दिए गए हैं. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर टू, जो कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स से रिलेटेड है, अर्थात तथ्यों की सुसंगति से रिलेटेड है. और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 5 टू सेक्शन 55. एविडेंस एक्ट का ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को आप सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा. अब एविडेंस एक्ट के पार्ट टू के बारे में देखते हैं. तो पार्ट टू को फोर चैप्टर में डिवाइड किया गया है, चैप्टर थ्री से चैप्टर सिक्स तक में. चैप्टर थ्री जो कि फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव से रिलेटेड है, अर्थात तथ्य जिसका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है. और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 56, सेक्शन 57 एंड सेक्शन 58. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर फोर, जो ओरल एविडेंस से रिलेटेड है, अर्थात मौखिक साक्ष्य के संबंध में प्रावधान करता है. और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60. नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर फाइव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अर्थात दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताता है. और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 61 टू सेक्शन 90. नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर सिक्स, जो कि सर्कमस्टांसेस व्हेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गिवन मोर इम्पोर्टेंस ओवर ओरल एविडेंस, और एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अर्थात दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्यों का अपवर्जन. इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 91 टू सेक्शन 100. तो पार्ट टू में चार चैप्टर हैं, चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर, चैप्टर फाइव और चैप्टर सिक्स. अब हम इंडियन एविडेंस एक्ट के पार्ट थ्री को देखेंगे. पार्ट थ्री को पांच चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जो चैप्टर सेवन से चैप्टर इलेवन तक है. अब एक एक करके इन चैप्टर्स को देखते हैं. चैप्टर सेवन जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है, अर्थात सबूत का भार या साबित करने के भार से संबंधित है. और इससे रिलेटेड सेक्शंस हैं सेक्शन 101 टू 114A. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर एट, जो इस्टॉपल के बारे में प्रोविजन करता है, अर्थात विबंध. और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 115 टू सेक्शन 117. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नाइन, जो विटनेसेस के बारे में प्रोविजन करता है, ऑफ विटनेसेस साक्षियों के विषय में. और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 118 टू सेक्शन 134. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि साक्ष्य कौन दे सकता है, सक्षम साक्षी कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं,
डम विटनेसेस की क्या स्थिति है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है उसकी क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है वो है चैप्टर 10, जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में बताया गया है, अर्थात साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में प्रावधान किए गए हैं। और इससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 135 टू सेक्शन 166। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो विटनेस है उसके उसको प्रस्तुत करने का क्या क्रम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस अर्थात विटनेसेस के एग्जामिनेशन का क्या क्रम होना चाहिए, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, री एग्जामिनेशन कब किया जा सकता है, ये सारे प्रोविज़न चैप्टर 10 है में हम देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के चैप्टर में है और इससे रिलेटेड सेक्शन 135 टू 166 है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11, जिसमें इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में प्रावधान किया गया है, अर्थात अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में है, और इसमें केवल एक ही सेक्शन है और वो है सेक्शन 167। टुडे आई विल टीच यू अबाउट पार्ट 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि पार्ट 3 ऑफ एविडेंस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर, दैट आर चैप्टर 7 टू चैप्टर 11, एंड इट कंटेन्स सेक्शन 101 टू 167। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 ऑफ एविडेंस एक्ट। चैप्टर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ या साबित करने के भार से संबंधित है, जो कि सेक्शन 101 से 114A तक को कवर करता है। तो एक एक करके इन प्रोविजंस पर नज़र डालते हैं। सेक्शन 101 डील्स विद द बर्डन ऑफ प्रूफ, सब अर्थात सेक्शन 101 सबूत के भार के बारे में प्रावधान करता है। 102 डील्स विद ऑन हूम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, अर्थात सबूत का भार किस पर होता है। 103 डील्स विद द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, विशेष तथ्य के बारे में सबूत का भार। 104 डील विद बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। 105 डील्स विथ बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम्स विद इन एक्सेप्शंस, यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। सेक्शन 106 डील्स विथ बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, अर्थात विशेषतः ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार। सेक्शन 107 डील्स विथ बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन known to have been alive within 30 years, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात हो। The next section is section 108 deals with burden of proving that person is alive who has not been heard of for 7 years. यह साबित करने का भार कि वो व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है जीवित है। द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 109 डील्स विथ बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट
प्रिंसिपल एंड एजेंट, भागीदारों भूस्वामी और अभिधारी मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार. द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 110 डील्स विथ बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, स्वामित्व के बारे में सबूत का भार. सेक्शन 111 डील्स विथ प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, उन सब व्यवहारों में सद्भाव को साबित करने का भार जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 111A डील विथ प्रिजम्पशन एज टू सर्टन ऑफेंसेस, कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा. सेक्शन 112 डील विथ बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, वैवाहिक स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है. द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 113 डील्स विथ प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरीज, राज्य क्षेत्र के अध्यार्पण का सबूत. सेक्शन 113A डील्स विथ प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन, विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपबंध. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 113B डील्स विथ प्रिजम्पशन एज टू डावरी डेथ, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 114 डील्स विथ कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा. एंड द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 114A डील्स विथ प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशंस फॉर रेप, बलात्संग के कुछ अभियोजनों में सम्मति या सहमति का ना होने की उपधारणा. तो ये पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड सेक्शंस थे जिसका प्रोविज़न 101 से 114A तक में किया गया है, जिस पर संक्षेप में हमने नज़र डाली. और आगे इन द नेक्स्ट लेक्चर बर्डन ऑफ प्रूफ के इन सारे सेक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे. आप सभी अपने बेरेक्ट के साथ प्रेजेंट रहेंगे और नेक्स्ट लेक्चर तक आप अपना ख्याल रखिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू.